दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको देखाऊंगा कि पिक्चर का जो दोनों साइड होता है, दोनों साइड जब बड़ा हो जाता है तो कैसे उसका छोटा किया जाता है। अब ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो आपको ये वीडियो के अंदर जिस तरीका देखाऊंगा कि ओनली एक पीएफ चेंज करके, मतलब चेंज नहीं एक्स्ट्रा एक पीएफ ऐड करके आप पीएफ चेंज करके भी कर सकते हो, बट आपको ये वीडियो के अंदर एक पीएफ ऐड करके देखाऊंगा। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट वीडियो पर ले चलता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम को अच्छा करके देखिए, सिम्टम को अच्छा करके देखिए, उसके बाद कैसे इसको ठीक किया जाता है आपको ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये टीवी का प्रॉब्लम को अच्छा करके देखिए कि इसका ये जो लोगो देखिए कितना अंदर चला गया, GOLD, और उसके बाद ये अलग सा जो नंबर चैनल का जो पूरा नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये बहुत अंदर चला गया, तो ये एक फॉल्ट है, ठीक है। अब अच्छा करके देखिए तो आपको दो चैनल दिखाऊंगा, और इसका ये जो फ्री डिश का ये सेटअप बॉक्स है, इसका लोगो देखिए ये भी अंदर चला गया, तो लाइट का वजह ये ब्लूआर हो जाता है। चलिए मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। अब अच्छा करके फॉलो कीजिए यहाँ पर, ये देखिए फ्री डिश का जो चैनल का नाम है ये बहुत अंदर चला गया, मतलब इसका जो पिक्चर साइज बहुत बड़ा हो गया। तो आपको पूरा स्क्रीन को दिखाता हूँ, नॉर्मल आँखों से कुछ भी कस्टमर ये देखेगा तो उसका हर टाइम उसका दिमाग में नहीं चलेगा कि इसका एक प्रॉब्लम है, बट टेक्नीशियन लोगों का पास इस तरह प्रॉब्लम देखने के बाद वो आसानी से आइडिया लगा सकते हो कि इसका जो प्रॉब्लम ये ESD सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। बहुत कुछ सेक्शन से इसी तरह प्रॉब्लम देखा जाता है, बट मेनली ESD सेक्शन का अंदर इसी तरह फॉल्ट देखा जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं अलग सा एक पिक्चर दूसरा चैनल में प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं ये अलग सा चैनल को मैं प्ले किया, और लाइट का वजह ये तो ब्लोअर हो जाता है, तभी कोई बात नहीं। अब देखिए अच्छा करके फॉलो कीजिए, ये जो चैनल का नाम है देखिए ये भी बहुत अंदर चला गया, देखिए NDTV भी अंदर चला गया, ठीक है। और इसका अंदर जो सेटअप बॉक्स का लोगो देखिए ये भी बहुत अंदर चला गया, ये लेखा भी काट करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो DTH लिखा है, सॉरी HD, और उसका अंदर कुछ ज़रूर लिखा है, ये भी अंदर चला गया। आपको ये दोनों चैनल दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसका बाद ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है, इसी का ऊपर बहुत कमेंट मैं मेरा चैनल के अंदर देखा, तो इसलिए मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। दोस्तों साउंड को मैं म्यूट करके रखा हूँ क्योंकि साउंड का वजह कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं म्यूट करके रखा हूँ। तो ये पोजिशन को अच्छा करके फॉलो कीजिए, ये पोजिशन को अच्छा करके फॉलो कीजिए, NDTV इसका अंदर चला गया, ठीक है। अब अच्छा करके फॉलो कीजिए, तो चलिए कोई बात नहीं, ये कैसे रिपेयर किया जाता है आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखूंगा। फिर भी आपको दोबारा एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये चैनल का जो नाम देखिए बहुत अंदर चला गया, तो ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये सेटअप बॉक्स का जो लोगो है, फ्री डिश का जो लोगो है, ये भी दोस्तों बहुत अंदर चला गया। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है आपको दिखाता हूँ ये वीडियो के अंदर। तो दोस्तों टीवी का बैक कवर मैं ओपन करने के बाद फर्स्ट आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये जो कॉयल देखिए ये ब्लू वायर है, ठीक है, और इसका नीचे इसका रेड वायर है, ठीक है, रेड वायर नीचे है, इसका ब्लू वायर यहाँ पर है। तो दोस्तों इसी तरह कॉयल यूज़ करके, तो दोस्तों मॉनिटर PCB का अंदर ये कॉयल देखा जाता है, तो इसी तरह इसका सीरीज, ठीक है, यहाँ पर इसका कनेक्शन इन होगा और ये कॉयल का अंदर चला गया। बीच में इसी तरह कॉयल यूज़ करके इसका दोनों साइड को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, बट दोस्तों पहले से इसका अंदर एक कॉयल है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कॉयल और यूज़ नहीं करूँगा। दूसरा जो तरीका है आपको वही तरीका यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइम आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है दोस्तों। कि दोस्तों पहले ये टीवी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया नो लाइट प्रॉब्लम, तो नो लाइट प्रॉब्लम तो रिपेयर किया, और उसका जो वीडियो है वो वीडियो का लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूँगा, ठीक है। बहुत अलग सा नॉलेज मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद। कुछ भी टीवी के अंदर नो लाइट प्रॉब्लम होगा तो आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो PCB है, तो दोस्तों ये चाइना लोकल PCB है। कभी कभी क्या होता है, पिक्चर का जो दोनों साइड बड़ा हो जाता है, न्यू PCB लगाने का समय भी इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है। अधिकतर प्रॉब्लम जो देखा जाता है जो मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब होता है, तो दोस्तों ये मॉनिटर का ये कॉयल है, आप देख सकते हो। तो अधिकतर ये मॉनिटर TV का अंदर, मॉनिटर पिक्चर ट्यूब का अंदर न्यू चाइना किट इंस्टॉल करने का समय भी इसी तरह प्रॉब्लम अधिक देखा जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बहुत कुछ है, जो मैं अलग अलग वीडियो के अंदर दिखाया कि ESD सेक्शन का अंदर एक्स्ट्रा चॉपर यूज़ किया जाता है, वो चॉपर यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा तरीके से वो एडजस्ट हो जाता है। बट दोस्तों आज आपको ये वीडियो के अंदर चॉपर यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। आज आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये जो सेक्शन है इसका अंदर दो PF है, एक बूस्ट PF है और एक 1600 वोल्ट वाला PF है, दोनों PF यहाँ पर देखा जाता है। तो दोनों PF
कुछ भी पीएफ चेंज करके आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप 1600 वोल्ट वाला पीएफ चेंज करके भी एडजस्ट कर सकते हो, 400 वोल्ट वाला पीएफ चेंज करके भी एडजस्ट कर सकते हो। बट दोस्तों 1600 वोल्ट का जगह 1800 वोल्ट, 2 kV वोल्ट मतलब 2000 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हो, वो अलग बात है। और जो 400 वोल्ट देखा जाता है वहाँ पर कुछ भी एक पीएफ हो सकता है, 250 वोल्ट पीएफ भी हो सकता है, 300 वोल्ट पीएफ भी हो सकता है, 400 वोल्ट पीएफ हो सकता है, 600 वोल्ट पीएफ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ये पीसीबी को अच्छा करके एक बार देख लेता हूँ, देखने के बाद आपका एक बार देखाऊंगा तो वो ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है। कि पार्टी ने बात है कि पिक्चर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं ये लाइट रिपेयर करने के बाद इसका प्रॉब्लम के ऊपर आपको क्लियर करके देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा, ईएसटी सेक्शन को देखना पड़ेगा। ईएसटी सेक्शन को क्या देखना पड़ेगा, देखिए दोस्तों थोड़ा सा पिक्चर बड़ा है तो थोड़ा सा पिक्चर को आप इसी तरह एडजस्ट कर सकते हो। ये जो ईएसटी है, ईएसटी पोजीशन आप अच्छा करके देखिए, ईएसटी सप्लाई है और उसके बाद ये जो लाइन देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन के साथ कनेक्शन है। तो ये कलेक्टर पिन के साथ एक पीएफ नेगेटिव के साथ ये है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पीएफ लगाने का जगह है, बट पीएफ यहाँ पर नहीं है, ये ओपन पिन है। ये एक पीएफ है, ये 1600 वोल्ट पीएफ है और ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन ट्रांजिस्टर का जो इमीटर पिन है, इमीटर पिन का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये इमीटर पिन पूरा नेगेटिव है, बीच में एक जम्पर है, ये जम्पर पूरा नेगेटिव है। देखिए ये जो पूरा जम्पर पूरा नेगेटिव है, ई एस टी का नेगेटिव का साथ, ठीक है। ये पूरा चौड़ा वाला पत्ती नेगेटिव है। तो दोस्तों ये जम्पर पोजिशन पर कभी कभी कुछ कुछ टी वी के अंदर एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, 2 वाट का लो वैल्यू का रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जम्पर है तो कोई बात नहीं, ये पूरा नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव लाइन है, ये नेगेटिव लाइन का साथ, ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन, इसका साथ जो पीएफ है, ये बूस्ट पीएफ है। ये बूस्ट पीएफ का वैल्यू आप थोड़ा सा कम ज़्यादा करके इसका दोनों साइड को, जो दोनों साइड बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। बट आपको ये वीडियो के अंदर ये पीएफ चेंज नहीं करूँगा, जो पीएफ चेंज करके दिखाऊँगा कि दोस्तों ये जो आउटपुट लाइन है, ये योक कॉइल का एक पॉइंट है। आपको दूसरा जो योक कॉइल का पॉइंट है, ये पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। ये पॉइंट के अंदर एक पीएफ है, वो पीएफ चेंज करके आपको दिखाऊँगा। बीच में एक कॉइल है, बहुत पीसीबी के अंदर कॉइल यूज़ नहीं किया जा, नहीं दिखा जाता है, जम्पर भी दिखा जाता है। बीच में एक रेजिस्टेंस यूज होता है, ठीक है, और जम्पर लगाएगा तो रेजिस्टेंस भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस है और जम्पर भी है, जब जम्पर हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस काम पर नहीं आएगा। तो ये लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। ये जो लाइन जा रहा है, देखिए ये लाइन से यहाँ से यहाँ तक एक पीएफ है। तो दोस्तों ये 400 वोल्ट का पीएफ है, ठीक है, इसका वैल्यू अलग है। ये 400 वोल्ट का पीएफ है, दोनों पीएफ देखिए, यहाँ पर एक पीएफ है जो 1600 वोल्ट वाला, ये पीएफ का वैल्यू अलग है और ये जो पीएफ है, ये पीएफ का वैल्यू अलग है। तो दोस्तों ये जो पीएफ है, ये जो योक कॉइल का आउटपुट दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिखाया कि जम्पर है और ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन का साथ जो पीएफ, ठीक है, ये लाइन का जो साथ जो पीएफ नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये नेगेटिव है, देखिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर जो कनेक्शन है। ये पीएफ पोजीशन पर एक्स्ट्रा मैं एक पीएफ लगाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये 400 वोल्ट वाला पीएफ, आपको उल्टा करके एक बार दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअली ये बड़ा वाला पीएफ 400 वोल्ट पीएफ हो सकता है, 600 वोल्ट पीएफ हो सकता है, 300 वोल्ट पीएफ हो सकता है, 250 वोल्ट पीएफ भी हो सकता है, 250 वोल्ट पीएफ, ठीक है, ये 1600 वोल्ट वाला। तो ये पोजीशन पर एक पीएफ लगाऊंगा। बट दोस्तों ये 1600 वोल्ट पीएफ ये पोजीशन पर पीएफ लगाने का पोजीशन है, बट ये पीएफ का पोजीशन पर कुछ भी पीएफ लगाने का पोजीशन नहीं है। बट कुछ जम्पर है, आप देख सकते हो, पीएफ लगाने का कुछ भी पोजीशन नहीं है। तो चलिए किस तरह पीएफ लगाया जाता है आपको लगाने के बाद एक बार दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन है इसका अंदर। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, इसका अंदर देखिए एक ये छेद देखा जाता है, यहाँ पर दो छेद देखा जाता है, तो देखूंगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छेद, यहाँ पर एक छेद, यहाँ पर एक छेद, ये सब अलग अलग छेद देखा जाता है, जो अलग पार्ट्स यहाँ पर यूज़ करने का जो पोजीशन है। तो ये पॉइंट को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कॉइल नहीं है, जम्पर कर दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार ये पोजीशन अच्छा करके इसका नीचे से देखूंगा। चलिए एक बार देखने के बाद आपको, चलिए एक बार डायरेक्ट ही देख लेता हूँ कि नेगेटिव का साथ ये पीएफ को कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको बात है कि ये जो दूसरा ये कॉइल का जो पॉइंट है, ये पॉइंट, तो दोस्तों ये पॉइंट से लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कनेक्शन पॉइंट है और दोस्तों ये ओपन है,
ठीक है। तो ये पॉइंट को मैं यहाँ पर मैं कनेक्शन करूँगा, ठीक है, पीएफ को। तो ये पॉइंट से एक नेगेटिव का साथ कुछ भी साइड यहाँ पर भी आप कनेक्शन कर सकते हो। तो ये तो नेगेटिव है, देखिए ये नेगेटिव जम्पर है, और दोस्तों ये ओपन पिन है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक पीएफ कनेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ से ये जो पॉइंट है दोस्तों ये ओपन है, देखिए ये कॉइल यहाँ पर नहीं है, ये ओपन है। और ये दोस्तों ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है, मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ यहाँ पर जम्पर है, मतलब ये भी नेगेटिव है। और दोस्तों ये क्या है, पीएफ है कि नहीं है, चलिए एक बार देखना पड़ेगा अच्छा करके। तो दोस्तों यहाँ पर और कुछ भी पार्ट्स नहीं है, यहाँ पर और कुछ भी पार्ट्स नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये दो पीएफ दो पॉइंट को मैं ओपन करूँगा, ये पॉइंट को ओपन करके लगा सकता हूँ, और ये जो नेगेटिव है ये पॉइंट ओपन करके भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ तक एक पीएफ कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कौन सा पीएफ लगाना पड़ेगा ये देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैं देखिए ये पॉइंट को मैं ओपन किया और ये पॉइंट को मैं ओपन किया, जिस पॉइंट पर ये पीएफ है, ठीक है। तो और मेरा पास एक पीएफ अभी मैं मौजूद किया, अभी ये पीएफ का नंबर चलिए मैं आपका एक बार दिखाऊँगा कि ये पीएफ का नंबर कितना है। तो दोस्तों देखिए ये 564, ठीक है, मतलब 560, ठीक है, 560 के ये पीएफ है। तो दोस्तों ये जे मतलब इसका टॉलरेंस कलर है, और ये कितना वोल्ट का, 630 वोल्ट ये पीएफ वैल्यू है, ठीक है। ये पीएफ मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, मैं ऊपर से ही लगाऊंगा ये पोजीशन पर, ठीक है, ऊपर से ही मैं ये पोजीशन पर लगाऊंगा। चलिए लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप अच्छा करके देखिए, इसका साथ मैं ये पीएफ को मैं एक्स्ट्रा ये पीएफ को लगाया, ठीक है, इस तरह लगाया, ठीक है, इस तरह ये पीएफ को लगाया। और इसका कनेक्शन चलिए दोबारा आपको कन्फर्म करने के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका कनेक्शन आप फिर भी देखिए कि दोस्तों ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका साथ ये जो जम्पर देखिए नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ये पूरा नेगेटिव है, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव है। और ये पीएफ का जो ये पॉइंट है इसका साथ पहले से ही एक पीएफ है, तो ये जो पीएफ आप देख सकते हो ये जो नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये सेम वैल्यू पीएफ भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मैं जो पीएफ लगाया ऐसा नहीं है कि ये पीएफ भी आपको लगाना पड़ेगा, ये पीएफ का वैल्यू आप थोड़ा सा कम ज़्यादा करके, ठीक है, ये जो पीएफ है ये पीएफ का वैल्यू थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आप ट्राई कर सकते हो, पिक्चर का दोनों साइड थोड़ा बड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो पीएफ है ये सेम लाइन मतलब पैरेलल कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार पिक्चर देके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह पिक्चर इसका आ रहा है। तो चलिए पूरा सब कुछ कनेक्शन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों चलिए मैं टीवी को सीधा किया और सेटअप बॉक्स लाइन में पहले से ही दे देता हूँ, और उसका बाद चलिए टीवी का लाइन मैं दे देता हूँ। टीवी का लाइन मैं दे दिया और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों देखिए साउंड आ गया, साउंड को मैं म्यूट कर दिया। दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको जो चैनल का लोगो देखिए ये बहुत अंदर चला गया था, अभी देखिए पूरा परफेक्ट आ गया, ठीक है। और फ्री डिश का जो लोगो अंदर चला गया था दोस्तों ये भी देखिए ये पूरा एडजस्ट हो गया, मतलब ये जो पिक्चर का बड़ा हो गया था ये भी एडजस्ट हो गया। ये पोजिशन देखिए ये पोजिशन भी बहुत अंदर चला गया था तो ये भी बाहर आ गया। तो आप देख सकते हो साउंड को मैं म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। और नेक्स्ट आपको दूसरा और एक चैनल दिखाया, चलिए मैं और एक चैनल दिखाता हूँ। देखिए तो दोस्तों NDTV का जो चैनल है देखिए अभी यहाँ पर NDTV.in ये भी बिल्कुल फ्रेश आ गया, बहुत अंदर चला गया था देखिए NDTV, और इसका जो लोगो आप देख सकते हो। और दोस्तों ये देखिए तो बहुत एडजस्ट हो गया, और थोड़ा छोटा होना चाहिए बट और इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये जो पोजीशन का जो लोगो देखिए ये भी बहुत अंदर चला गया था, ये भी बाहर आ गया, ठीक है दोस्तों। ओनली एक पीएफ चेंज करके आपको वीडियो के अंदर दिखाया। तो दोस्तों ये पोजीशन सर्विस मोड से एडजस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का सा ये साइड थोड़ा सा आप इधर उधर काट सकते हो, दोनों साइड को थोड़ा सा इधर उधर काट सकते हो, बट ये हर टाइम सर्विस मोड से जब नहीं होगा तो आपको पार्ट्स चेंज करके ही करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।